स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम एक बार फिर सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं। साथ ही उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम पर भी सीबीआई ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें, चेन्नई स्थित उनके घर पर सीबीआई लगातार रेड कर रही है। इसके अलावा मुंबई से लेकर पंजाब तक 8 ठिकानों पर सीबीआई की ये ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। आईएनएक्स केस से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें चिदम्बरम ने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और इस पूरे मामले में ही फिलहाल सीबीआई ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, केंद्रीय जांच एजेंसी ने पी चिदम्बरम के चेन्नई स्थित घर और साथ ही उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के कराईकुड़ी के घर में छापा मारा है। बताया ये जा रहा है कि ये छापेमारी हाल ही में जांच से जुड़ी हुई है, जो जांच पी चिदम्बरम के ऊपर चल रही है। सीबीआई की टीम ने कार्ति के घर और ऑफिस के अलावा कई जगहों की तलाशी ली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और तमिलनाडु में कार्ति के ठिकानों पर ये बड़ी छापेमारी लगातार जारी है। गुड़गांव में भी छापेमारी की जानकारी सामने आई है। तो सीबीआई की ये बड़ी रेड, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के आवास और साथ ही उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं, उनके घर पर भी सीबीआई की ये बड़ी रेड हुई है। तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं और पीटीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी आईएनएक्स मीडिया को दी गई मंजूरी को लेकर है। आईएनएक्स मीडिया के मुखिया पीटर मुखर्जी हैं और आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मामले में सोमवार को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। पीटर शिनापोरा मर्डर केस की जांच का भी सामना कर रहे हैं और उसी से जुड़ा ये पूरा मामला है। लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है कि आखिर आईएनएक्स मीडिया केस है क्या। आपको ये बता दें कि सीबीआई ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी। आईएनएक्स मीडिया ग्रुप पर आरोप है कि 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड लेने के लिए कंपनी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी एफआईपीबी को मंजूरी में कई तरह की अनियमितताएं बरती गई थी। और बता दें कि साल 2007 के दौरान कंपनी को निवेश की मंजूरी दी गई। उस समय दरअसल ये केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ही थे जो कि वित्त मंत्री थे और यही वजह है कि इस पूरे मामले में फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पी चिदम्बरम, वो दरअसल सीबीआई की रडार पर हैं। और इस तरीके से अब दिल्ली से लेकर मुंबई, पंजाब और तमिलनाडु तक 8 ठिकानों पर सीबीआई की ये बड़ी रेड हो रही है। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले से जुड़े पुख्ता सबूत जो है वो इस पूरी छापेमारी के दौरान सीबीआई को हाथ लग सकते हैं। फिलहाल ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसके आधार पर ही सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसके मुताबिक 2008 में पीटर मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया की ओर से कार्ति चिदम्बरम को पैसे दिए गए थे। उनकी कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटजी कंसल्टिंग और उससे जुड़ी कई कंपनियों को शेयर अलॉट किए गए। पीटर मुखर्जी की आईएनएक्स मीडिया ने कैश में ये इंस्टॉलमेंट दिया था, जो कि कई हिस्सों में दिया गया था। इस दौरान 60 लाख शेयर लंदन की एक कंपनी अल्टेफिया डिजिटल यूके लिमिटेड से कार्ति की कंपनी में ट्रांसफर किए गए थे। कि पूरी जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है, यानी किस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र हुए, शेयर किस तरीके से ट्रांसफ़र किए गए, इसका बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। तो फिलहाल ये पूरा मामला है, जिसमें अब पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं और सीबीआई अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तो फिलहाल ना सिर्फ पी चिदम्बरम बल्कि उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, जो कि तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनके ऑफिस और उनके आवास पर भी सीबीआई की ये छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि दरअसल मुंबई, दिल्ली, पंजाब समेत तमिलनाडु, चेन्नई, कई जगहों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। लगभग 8 से 9 जगह ऐसी हैं जहां सीबीआई ने रेड की है। जो उनके खिलाफ केस चल रहा है उसी मामले में सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 2010 से 2014 के बीच कथित विदेशी फंडिंग को लेकर कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ ताज़ा मामला दर्ज किया था, जिसके बाद
ये छापेमारी लगातार जारी है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की जो रेड देश भर में अलग अलग ठिकानों पर जारी है, उसको लेकर अब पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का एक ट्वीट भी सामने आया है। और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि गिनती भूल गया कि ये कितनी बार हुआ है, एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब पी चिदम्बरम के ठिकानों पर इस तरीके से छापेमारी हुई हो। दरअसल इससे पहले भी उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। इससे पहले 2019 में भी सीबीआई ने विदेशी फंड लेने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी से जुड़े मामले में कार्ति चिदम्बरम के 16 ठिकानों पर तलाशी ली थी। और एक बार फिर सीबीआई ने अब एक नया मामला विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ, जिसमें चिदम्बरम के बेटे कार्ति पर उन्होंने शिकंजा कस लिया है और लगातार ये ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। हो सकता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई बड़ा एक्शन कार्ति चिदम्बरम से ले, उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में हो, उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा आईएनएक्स मीडिया केस सामने आया, उसके बाद कई मौके ऐसे आए जब पी चिदम्बरम ने सरकार पर सवाल उठाए, जब लगातार उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा, मोदी सरकार पर सवाल उठाए, केंद्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। लेकिन ये पूरा मामला लगातार, इसमें सीबीआई की छानबीन जारी है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि सीबीआई जो देश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो तमिलनाडु में जो निवास और कार्यालय कार्ति चिदम्बरम का है, चेन्नई में, वहां पर भी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो एक चल रहे मामले के बारे में कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के कई स्थान, उनके घर और कार्यालय पर तलाशी ले रहा है। उनके कार्यालय ने साफ तौर पर ANI को ये जानकारी दी है। और साथ ही जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही है कि चेन्नई में जो पी चिदम्बरम का आवास है, वहाँ पुलिस की भारी मौजूदगी है। सीबीआई ने जो मामला चल रहा है उसी सिलसिले में उनके बेटे के कई स्थानों पर रेड की है। तो फिलहाल वो तस्वीरें सामने आई हैं कि उनके घर पर सीबीआई की रेड जारी है। तो ऐसे में बाहर पुलिस सुरक्षा बलों की मौजूदगी कड़ी है। लेकिन ये पूरा मामला दरअसल पी चिदम्बरम से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती रही है, मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन खुद किस तरीके से उनकी सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने ये बड़ा घोटाला किया है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जिसमें लगातार केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें न सिर्फ ये पूरा जो घोटाला है, पूरा जो भ्रष्टाचार है, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम तक सिमटा हुआ है, बल्कि इसके अलावा उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी अब सीबीआई की रडार पर है। उन पर भी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर सीबीआई रेड कर रही है तो कोशिश यही होगी कि इस पूरे मामले में कुछ अहम सुराग, कुछ अहम सबूत जो हैं वो सीबीआई को हाथ लगे, ताकि इस पूरे मामले को सुलझाने में सीबीआई सफलता हासिल कर सके। तो ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि एक नया केस दर्ज हुआ है। हालांकि पूरा मामला INX मीडिया केस से ही जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में अब पी चिदम्बरम के बाद उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन पर दरअसल सीबीआई ने ये शिकंजा कसा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।